झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले दूसरे दल के कई नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। इनमें से दो का नाम काफी चर्चा में है। एक नाम है भानु प्रताप शाही और दूसरा नाम है शशि भूषण मेहता। इनमें से एक पर मनी लॉन्ड्रिंग तो दूसरे पर हत्या का मामला दर्ज है। इसके बावजूद बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया है, जिसके चलते पार्टी की खासी आलोचना भी हो रही है। भानु प्रताप शाही, इन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जब ये झारखंड में मधु कोड़ा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, तब इन पर 130 करोड़ रुपए के दावा घोटाले का आरोप है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है, ट्रायल भी चल रहा है। बता दें कि ये घोटाला नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत 2008 में हुआ था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने एक नियम बनाया था कि दवाइयाँ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आने वाली पीएसयू से खरीदी जाएंगी, पर भानु प्रताप ने नियम का उल्लंघन किया और भारी मात्रा में दवाइयां प्राइवेट कंपनी से खरीद ली। इस मामले में इन्हें 2011 में अरेस्ट किया गया था और 2013 से वो बेल पर बाहर है। भानु प्रताप मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी आरोपी हैं। अब भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया, जिससे कुछ नेता खुश नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से भवनाथपुर के विधायक अनंत प्रताप देव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि AJSU ज्वाइन कर लिया। उन्होंने INA से बातचीत में कहा है कि जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जो पार्टी नैतिकता की बात करती है वो ऐसा करेगी। दूसरे नेता हैं शशि भूषण मेहता। इन पर एक स्कूल टीचर की हत्या करने का आरोप है। बात 2012 की है। सुचित्रा मिश्रा रांची के ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन थी और उसी स्कूल के डायरेक्टर थे डॉक्टर शशि भूषण। सुचित्रा की हत्या हुई थी, केस की जांच हुई और कॉल डिटेल्स के आधार पर शशि भूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई। इसके बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ा। अभी शशि भूषण जमानत पर हैं और इनके बीजेपी में शामिल होने के बाद लोगों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। अब पांकी विधानसभा क्षेत्र में इन्हें बीजेपी ने टिकट दे दिया है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री सरयू राय को अभी तक टिकट नहीं मिला है, जिन्होंने चारा घोटाले का भांडा फोड़ किया था। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं तो और वीडियोस के लिए हमें वहां जरूर फॉलो करिए। एक आखिरी बात, अब आप देख सकते हैं दी ललन टॉप क्विज सौरभ द्विवेदी के साथ शनिवार रात 9 बजे और रविवार सुबह 11 बजे और फिर रात में 8 बजे तेज चैनल पर। थैंक यू।